हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पंचमेल पुलाव बनाएंगे। पंचमेल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप चावल लेंगे। अब हम इसमें 5 तरीके की दाल डालेंगे। सबसे पहले 3 बड़े चम्मच अरहर की दाल, 3 बड़े चम्मच मूंग दाल, 3 चम्मच चना दाल। हम सारे दालों की क्वांटिटी एक ही रखेंगे। तीन चम्मच मसूर दाल और 3 चम्मच काली उड़द की दाल डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हम इन सबको धो लेंगे और फिर इसे पानी में भिगोकर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम कुकर लेंगे। और इसमें करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 से 3 इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज, 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए प्याज हल्का पक चुका है। अब इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सभी को मिला लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। टमाटर को थोड़ा पकने देंगे, तब तक हम दाल और चावल देख लेते हैं।
आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग दाल और चावल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और ये भी फूल चुके हैं। टमाटर भी हल्का पक चुका है। अब हम इसमें एक कटा हुआ आलू डालेंगे और थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें चावल और दाल डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा चला लेंगे। चलाने के बाद अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे पानी की क्वांटिटी चावल से थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए। अब कुकर को बंद कर देंगे और हल्की गैस पर 2 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे। 2 सीटी आ चुकी है। अब हम कुकर को खोलकर देख लेंगे। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। अब हम इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। पंचमिल पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे दही चटनी या अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।